में कथा में सुने हुए गाय क्या, तो बड़ा टेक्निकल आंसर देते हैं, गावा विश्वस्य मातरः, ऐसे बताते हैं कि गाय कौन, बोले विश्व का माँ है। ये उत्तर अच्छा है, करेक्ट है, बढ़िया है, लेकिन जब अंतर ध्यान खंड में उतरा और माँ के सानिध्य में इन विचारों को पुनः अवलोकन किया, फिर फंडा चेंज हो गया, क्योंकि कल तक इस शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार के द्वारा, इस अंतकरण चतुष्ट और इंद्रिय समूह के द्वारा जो भी गोकथा कहा गया था हमारे माध्यम से, छोटे बड़े करीब करीब 2500 छोटे बड़े गोकथा और 3500-4000 ग्राम जागरण यात्रा करके पूरा यूटर्न हो गया। यानी आज जो आज मुझे भान होता है, अनुभव होता है, और कल तक जो कुछ भी जानता था वो सांसारिक ज्ञान हुआ करता था, आज आंतरिक ज्ञान हुआ, जिसको बोलते हैं तो जब आप ध्यान करते 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 फ्लैक्स हो जाता है अंदर। अब मैं कैसे समझाऊं, यत्र शब्द न गच्छति, शब्दों के माध्यम से नहीं समझाया जाता, वो जो फ्लैश होता है फिर अंदर क्या होता है, आप कहां जाते हो और क्या घट जाता है। एक तो वेदांत के साधना के क्षण हुआ, लेकिन क्योंकि उस समय उस प्रकार के घटनाक्रम नहीं घटे तो समझ में नहीं आ, लेकिन जब मां काली के साथ ये घटनाक्रम इसके माध्यम से घटा तो समझ में आया कि आज अगर कोई मुझे पूछे कि गाय क्या हो, किसे गाय कहते हो, गाय माने, तो मैं इतना ही कहूंगा गाय माने मां काली। दूसरा कोई उत्तर हो ही नहीं सकता, शास्त्र में हो सकते हैं किंतु अनुभव में देखिए, कथाकार तो बड़े बुधाकार होते हैं, इनको कहीं से लेके कहीं जोड़ सकते हैं, इनका धंधा वही है बात करना। मैं किसी का विरोध नहीं कहूंगी बात करके पैसा कमाना, क्योंकि जिस दिन मां को पा लिया फिर और कुछ नहीं चाहिए। मैं व्यास गति से बड़ा सख्त हूं कि पहले कथा करता था तो जरूर दक्षिणा के बारे में मन में आया करता था, लेकिन आज के डेट में व्यास गति से अग्नि के सामने नहीं आता। कम आदमी होने से कथाकारों को मन थोड़ा कुड़कुड़ होता रहेगा क्या, लेकिन आप अगर कोई एक भी अंतर चेतना प्रवेशी आदमी हो और मेरा चेतना को अनुभव कर पा रहे हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक भी आदमी हो ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मजा ही नहीं है। बड़ा निश्चय पूरे प्रज्ञा के साथ, इसलिए मैं इन कथाओं को आपको कोई मजा देने के लिए नहीं कह रहा हूं, अनुभव सापेक्ष बात कह रहा हूं कि गाय कौन है, तो वो महाकाली है, दक्षिण काली है। फिर समझ तो गया, जान भी गया, लेकिन प्रमाण नहीं मिलता, क्योंकि नंदी तो भोले बाबा का वाहन है ना। ऐसा कहा गया कि गौ मां के अंदर 33 कोटि देवता रहते हैं, इसीलिए ये आगे भी कहा गया कि आप अपने घर में भगवान को, किसी मंदिर में किसी एक मूर्ति को भोग लगाते हो तो कोई एक भगवान ही पाते हैं, लेकिन गौ माता के मुख में दे दीजिए
33 करोड़ देवी देवता भगवान को मिल जाते हैं, पक्का गारंटी। आप अगर किसी जगह में काली माँ का झांकी देखें और उसमें अगर नौ दुर्गा हो या 10 महाविद्या जो काली माँ की हैं, उसमें एक माता का जरूर दर्शन करना जो नंदी के ऊपर बैठी, कोई देखे हुए नाम जानते, कोशिश किए हो कभी नाम ढूंढने कि वो कौन है। एक दिन का टाइम देता हूँ, कल आप लोग बताना जरूर कि वो है। और गौ माता के साथ काम करना माने काली माँ के साथ काम करना। हम देख नहीं पाते, हमारा दृष्टि उधर नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है, समझ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है। आज इतने सारे गौशालाएं, बहुत सारे गौशाला, लेकिन एक भी गौशाला सफल आप कोई दिखा सकते हो? एक गौशाला सफल है जहां 3000 गाय हैं, ऐसे ऐसे गाय, पैसा अनंत खर्चा हो रहा है। अभी सबसे मेरा जीवन में सबसे बढ़िया गौशाला देखने में वाखना जी का जो गौशाला है जलगांव, 14 एकड़ जगह में 14 करोड़ खर्चा करके, या उससे ज्यादा आज के डेट में उनका ऑडिट तो ज्यादा हो गया। गिर का ही पूरा प्रोजेक्ट है, काउ इंडस्ट्री बना के रखे हैं, और वहाँ गया तो दिल भर गया। गौ तीर्थ, अहिंसा तीर्थ बना के, लेकिन फिर भी वो अपने मुंह से खुद बोले इतना सब करने। आज पूरे भारतवर्ष में अगर कोई सफलतम गौशाला कहा जाए तो उनको कहा जाए, लेकिन इतने सारे करने के बावजूद भी आज वो खुद कहते कि नहीं, कंप्लीट नहीं है। हालांकि कोई कर्म कभी भी एक मानव अपने जीवन में कंप्लीट नहीं कर सकता, अलग बात है। क्या कारण है, कहां रह जाता है वो फॉल्ट? और मैं ऐसा भी घर देखा हूं जहां, ऐसा भी गौशाला देखा हूं, ऐसा भी गोभगत देखा हूं, गो सेवा कर रहे हैं लेकिन जीवन में दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, जीवन में घात प्रतिघात ऑब्स्टेकल्स बहुत सारे आ जाते हैं, कहां फॉल्ट रह जाते हैं? मेरे जीवन में भी हुआ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं बचाऊ, मेरे साथ भी मिला है। और उस फॉल्ट को सुधारा, समझ में आया, ये थप्पड़ घिंच के मारी, समझ में आ गया कि ओ गलती किया। और मां जब भी दंड देती है बुरा के लिए नहीं देती, हमें ट्रैक मिलाने के लिए, हमें अपने को और फर्नेस करने के लिए देते हैं। आई माई सेल्फ फील टू डे नो फर्नेस। आज मेरे शब्दों में आप लोगों को क्या लग रहा है मुझे नहीं, मुझे लग रहा है कि हम एक फर्नेस, एक वेल फिनिशिंग की ओर जा रहे हैं। हाँ, ये जो राक्षसी महिषासुर कहाँ रहते हैं, किधर रहते हैं महिषासुर? हमारे अंदर, ठीक है, अहंकार जिसको मां दुर्गा मां मारती, वो कभी पूर्णतः शांति तो हो नहीं सकता, लेकिन यह जरूर है कि हम एक बढ़िया से बढ़िया उनके तौर जा रहे, एक विजन क्लियरेंस जिसको कहा जाए, कि दृष्टि ऑफ थर्ड आईज, सिक्स्थ सेंस विजन, इन्हें शब्दों से आपको नहीं समझा सकता। मेरे पास, मैं आज लाचार हूं और कितना भी कोशिश करूं इनको नहीं समझा सकता, क्योंकि वेदांत शास्त्र, श्रुति शास्त्र, उपनिषद, जो कोई भी लिखे हैं वो पूर्णतया कभी भी नहीं समझा पाए तो हम कौन है।
क्या औकात है हमारा, कुछ नहीं। तो पहले ये समझना होगा कि ये उपनिषद शास्त्र क्या है, वेदांत शास्त्र क्या है और गौ उपनिषद क्या है। गौ मां की जय जय, 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 गौ मां की। आप लोग नहीं गा रहे हो, थोड़ा सा भगवान का नाम लेना है। कई सारे कथा में बोलते हैं, अरे यार महाराज ये इतना सारा गाना होना क्यों लगाते हो, बीच बीच में भजन वजन क्यों ताड़ते हो, बेकार कथा करो, ज्यादा ज्यादा बोलो। एक बार बजाज जी बोले थे, एक बार और कहीं सुना, भाषण ना दे राशन पानी महाराज, भाषण ना दे राशन, कोई मतलब नहीं अपने शब्दों से। हालांकि शब्द ब्रह्म है लेकिन निशब्द आपको देने आए हैं। अरे कुछ नहीं है, क्या है, कभी बदमाश हो गए घूमते थे, अब अच्छा हो गया बस, कौन क्या अच्छा, गौ माता की। अगर आपको कुछ देने आए ना, साधना का ऊर्जा देने आए, कुछ देने आए ना, लेने नहीं आए, प्रेम देने आए, कुछ देने आए ना तो अपने एनर्जी शक्ति देने आए। बनियाओं के घर में नहीं खाते थे, मेरा दादाजी के समय का बात करता हूँ, बाप का बात नहीं, क्योंकि उस समय मेरा घर में ऐसा था कि कुत्ता छुए तो जनेऊ परिवर्तन करो, कुत्ता बाय मिस्टेक छू गया तो घर में घुसने नहीं देते, ठीक है। तो एक गुरुजी मिले, बोले संत का काम क्या है, दूसरे का घर का पाप लेके जाना और ब्राह्मण का कर्तव्य है, पुरोहित का कर्तव्य है कि उसे ध्वंस कर देना, भस्मीभूत कर देना, क्योंकि ये काम किसी और का बस का बात नहीं है, वैसे पाप करेगा और उससे लेने का दम केवल उस ब्राह्मण के पास है जो गौ साधक है। भगत शब्द है लगाना चाहिए यहां ब्रैकेट में, मेरे पास आज दम नहीं है वो भक्त लगाने के लिए, इनके पास से बढ़िया बहुत हायर लेवल बात है वो भक्त कह देना, फिर भी हम लोग थोड़ा सा नहीं कह सकते। तो ये जो साधना सत्ता, साधना शक्ति है हमारे पास, इससे हम लोग बच जाते हैं। वरना मैं देखा हूं उन ब्राह्मणों को जो दान लेते लेते ध्वंस हो गए, पतित हो गए, गिर गए। और इसलिए हमारे दादाजी बोलते थे कि उस ब्राह्मण के घर में भी नहीं खाना जिसके घर में गाय नहीं हो, क्योंकि वो जमार से भी बदतर है। ऐसे कहते, जमार से भी बदतर, समझ रहे हो आप, जमार से भी बदतर है, उसका घर का पानी भी नहीं चुना। आज का डेट का बात अलग है, आज हम लोगों का सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति हमें वो गाय रखने के लिए नहीं, क्यों, क्या कारण है। अब देखिए, बचपन में यानी आज से 35 साल पहले दादा दादी कुत्ता छू ले या कुत्ता घर में चले जाए तो गोबर पानी देके छींटते थे और हम लोग बाय मिस्टेक किसी कारण छू लिए, बचपन में छू लिए या कुछ या मजाक में छू लिए तो सारा वस्त्र निकालो, फेंको, गंगा जल में स्नान करो, आचमन करो, जनेऊ छिंद करो, फिर जाके घर में घुसो। हमें इस चीज को अनसाइंटिफिक, उस समय लगा, पढ़े लिखे थे ना, एजुकेटेड इडियट थे तो हमें ऐसा लगा अनसाइंटिफिक, जानवर है कुत्ता है क्या मतलब। 35 साल के बाद जब ये कैमरा आ गया,
आभा मंडल फोटो उठाने का, क्या हुआ, क्या क्या हुआ, केरलॉन ऐसा कुछ, हाँ वो फोटो आ गया। और एक वीडियो देखे, नहीं लगाया क्या, वो वीडियो में दिखाता है कि गौ माता का परिक्रमा करने से, गौ माता का परिक्रमा कर लेने मात्र से आपका जो आभा मंडल है, ऊर्जा आभा मंडल समझते, हाँ, और वो 70 मीटर तक फैल जाता है। आज मैं डेमोस्ट्रेशन कर रहा था वहां जाके, अभी मत लगाओ, रहने वो, आज मैं डेमोस्ट्रेशन कर रहा था आभा मंडल का, अभी तो सुबह कराऊंगा, अगर जो लोग आप योग में, योग सत्र में सुबह है ना, योग सत्र कल, हाँ आप आए, मैं आप सबको अनुरोध है कि आप जरूर आना, क्योंकि मैं आपको ग्लाइकोडिन नहीं बेचूंगा, मतलब जो जनरल मार्केट में अवेलेबल है रामदेव जी का योगा वो नहीं दूंगा, हमारा कुछ सेपरेट हट के रहेंगे, और ज़्यादातर जो विषय आ गया तो मैं आपके सामने कह दूँ। सबसे पहला रहेगा आज के डेट में आप लोग सबसे ज़्यादा परेशान हो किसमें, किस चीज़ से आप सब परेशान हो, है जी, फोन से, मेंटल टेंशन से, स्ट्रेस से, तनाव से, और मार्केट में आज स्ट्रेस मैनेजमेंट का कई सारे विधाएं, कई सारे पैकेज चल रहे हैं और होने, जिसे बहुत बढ़िया समझा कि हम इतना मेहनत करते हैं सफल क्यों नहीं होते, ढेर मेहनत करते हैं और हमें लक्ष्य नहीं मिलता। इसका बड़ा कारण है कि हमें अपना केंद्र मिला नहीं, हमें पता नहीं कि हमारा केंद्र कहाँ है। एक एक्यूरियम जहां पर कांच का जो रहता है ना, मछली रखते हैं, एक्यूरियम बोलते हैं, दो एक्यूरियम लिया गया, एक एक्यूरियम, एक्यूरियम में बीच में एक डंडा लगा दिया और एक एक्यूरियम ऐसे रखा, और कुछ दिन में मेजरमेंट करके देखा गया कि जिस एक्यूरियम में डंडा लगाया गया था सेंटर पॉइंट में, वो मछली बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे थे, स्वस्थ थे, ऑर्गेनाइज थे, और जिसमें नहीं था वो इनऑर्गेनाइज थे, बीमार थे, वहां जल्दी मर रहे थे और बेचारे समस्या में थे, उनका ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा। क्या हो गया एक डंडा से, वो डंडा उनको सेंटर पॉइंट मिल गया और वो अपने को फील कर पाए, घूमे, इट इज अवेलेबल इन इंटरनेट, तो उनका विकास हुआ। ऐसे ही जिस मनुष्य को अपना केंद्र मिल गया, शारीरिक केंद्र, मानसिक केंद्र, प्राणिक केंद्र, फिर वो कितना भी नेगेटिव कंडीशन में आ जाए वो अपने को फिर केंद्रीभूत कर लेता, और जो जानता है अपने को केंद्रीभूत करने का तरीका, फिर वो हर कंडीशन एवरी टेंशन, हर कंडीशन एवरी टेंशन, एक्शन इन रिलैक्सेशन, हर एक काम के समय वो अपने को क्या कर लेगा। इधर बैठा है तो 100 आदमी हो, 1000 आदमी हो, 5000 आदमी, माइक हो, क्या बोल रहे, आप सोचो ये जो धंधा है, वाणी वाला धंधा, मां शारदा का धंधा, थोड़ी मजाक है, 3-4 घंटा कंटिन्यू बोलना, ये तो मां भगवती मां शारदा का, हे सारदे मां, 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 अज्ञानता से हमें तारदे मां, अज्ञानता से Hey, Sar Deva, Hey, Sar Deva, Hey, Sar Deva.
बहुत लंबा गीत नहीं जाए विषय क्या बोलना है कैसे बोलना है भूल तो नहीं जाऊंगा ऐसा दिखाई दे रहा है कोई टेंशन तनाव बोलने में अच्छा बोलते बोलते डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं क्या जो उस विषय में बोलना चाहिए उस विषय में है या भाग रहे हैं हटके इधर उधर या अगर भाग भी रहे हैं फिर सेंटर में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उस सूत्र को पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे हैं कितने सारे एस्पेक्ट को देखना पड़ता है तो तनाव दिखाई दे रहे हैं टेंशन तो एवरी एक्शन यू मस्ट रिलैक्स कैसे होंगे तो कल सुबह का योग सूत्र में हम लोग काम करेंगे उसके ऊपर कुछ बहुत ज्यादा नहीं कल सुबह का योग सूत्र के ऊपर और एक विषय मेरा रहेगा रिटर्न टूवर्ड्स यूथ सुने हैं ये वर्ड ये पूरा सेंटेंस रिटर्न टूवर्ड्स योर यूथ सुने देखे हैं वो किताब देखे हो नेट में कभी इसको नहीं अच्छा इसका अर्थ क्या हुआ दलित में यौवन को प्राप्त होना पुनः हाँ सही करेक्ट अपने को पुनः अपना यौवन को पुनः प्राप्त करना मतलब क्या महाराज उल्टा सीधा बात कर रहे हो इनमें कोई नया बात नहीं कर रहा आज से ये किताब आज से 20-22 साल पहले मेरे को मिला और मैं उसमें उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा था मिला जरूर लेकिन वो भी जेरोक्स फॉर्म में मिला बहुत पुराना किताब एकदम ओल्ड फॉरेन ऑथर का लिखा ये घटना ऑस्ट्रेलिया का थी एक 15 साल का नौजवान लड़का बहुत पैसा था अमीर घर का था तो पैसा के कारण बिगड़ गया था गंदा काम में अपना जवानी नष्ट कर लिया 15-20 साल के अंदर आंख में चश्मा आ गया बाल सारे गिरने लगे और बुढ़ापा सारे जो उसके स्किन थे वो ऐसे बुढ़ापे में आ गए और उसका जो स्पाइन था वो पेंट हो गया सारा मेडिसिन डॉक्टर और सब तरफ गया अमेरिका से लेके हर जगह में अपना ट्रीटमेंट कराया ठीक नहीं हो पाया उसके बाद उसको किसी ने बोला कि आप इंडिया में जाओ तब तक 5-6 साल बाद बेडेड हो गया बहुत कम मोमेंट हुआ उसका योग और प्राकृतिक चिकित्सा और बाकी सब कुछ इंडिया में आके किया कुछ फर्क जरूर पड़ा लेकिन फायदा नहीं हुआ तब तक वो मायूस हो के रिटर्न जाने वाला था उसका पर्सनल फ्लाइट लेके आया ऐसा उसको लाया था एम्बुलेंस में उस समय ऐसा कुछ बताया जाता है उस किताब में बताया तो इतने में कोई तिब्बत का लामा उसको अपने माइंड पावर से किसी के माध्यम से मैसेज करता है कि तुम तिब्बत आ जाओ और वो तिब्बत जाता है वहाँ पर ज़्यादा नहीं 5 आसन उसने बताया वो तिब्बत लामा ने और उसको कराया और 6 महीना के अंदर उसका चश्मा उतर गया उसका जो स्किन था फिर एक 20-22 साल का लड़का जैसे हो गया उसका जो केस और बाल और हेयर्स जो भी गिर रहे थे वो सारे हो गए और वो अपना पुनः यौवन को प्राप्त किया उसके तहत हम लोग काम करेंगे वो क्या आसन था कैसे किया गया उसके ऊपर कुछ आलोकपात कल और परसों 2 दिन है तो उसके ऊपर हम लोग कुछ प्रैक्टिकल काम करेंगे बासनबाजी सुबह तो नहीं होगा तो जो बोलना आगे पीछे तो हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर और इसके ऊपर काम करेंगे मैं इसलिए आज पहला दिन में ये सारा बात बता रहा हूँ कि हम लोग जो 2-3 दिन रहे यहाँ रहेंगे पूरे साधना खंड में रहेंगे हम भी वहाँ जितने समय भी हैं बातचीत करके समय व्यतीत नहीं कर रहे हैं पूरे खुद का भी साधना कर रहे हैं और इस पूरे VIPN क्लब का भी कैसे कल्याण हो मंगल हो और उस एनर्जी जो गौ माता से एनर्जी को जो भी आप समझ बोलना नहीं चाहते वो कार्य तो फिर
मैं अपने मुद्दे पे आ जाऊं, विषय पे आ जाऊं, अपने केंद्र को पाना, अपने ऊर्जा को पाना, और जो मूल में एकदम प्रारंभ में जिस बात को मैंने बताया कि हम करते बहुत हैं, सफलता कम मिलती है, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन हम जितना पाना चाहिए वो नहीं पा पाते, इसके ऊपर बहुत सारे बहुत प्रकार के व्याख्यान दिए। लेकिन वो क्या तत्व है कि हम अपने जीवन में उस सफलता तत्व को पा सके, वो आधार क्या है? तो वो दो कहानी मेरे सब गुरु जी बताते हैं। 1910 टोपी वाला टोपी बेच रहा था, बाय मिस्टेक बेचते बेचते थक गया, किसी पेड़ के नीचे, ये कहानी सबको पता होगा, सो गया और उठ के देखता है कि उसके पास एक भी टोपी नहीं है। चारों तरफ ढूंढा, समझ में नहीं आया, फिर बंदर लोग बदमाशी किया तो देखा सारे बंदर टोपी पहने हुए हैं। उसका दादाजी का बात याद आया, अपना टोपी फेंक दिया, बंदर लोग भी टोपी फेंक दिए, उठाया, लपेटा, चला गया। उसका फिर नाती पोती या दादा परदादा 2010 में टोपी बेचने गए, 100 साल के बाद, और उसी पेड़ के नीचे बेचारा सोया, खा पी के सो गया था। उठ के देखता है टोपी नहीं है, और इधर उधर नहीं देखा, सीधा ऊपर देखा कि बंदर है, और फॉर्मूला वही अप्लाई किया, टोपी अपना उठाया फेंका। तब तक एक बड़ा बबूल बंदर कूदा और टोपी उठाया, अपना सर में लगा, ये थप्पड़ गिचके थोड़ा उसको, क्या तेरा ही दादाजी है, मारा दादाजी बढ़िया है, ठीक है। क्या हुआ, बंदरों में इवोल्यूशन हो गया, इंसान के अंदर इवोल्यूशन नहीं हो गया, यानी हमारा पतन और ज्यादा नीचे 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 हो गया। क्यों? हम अपने रोजमर्रे जीवन में अपने को कभी प्रश्न किए हैं क्या, हम जीवन में उन्नति कर रहे हैं या अवनति? आर्थिक सांसारिक स्तर पे ठीक है, प्रैक्टिकल स्तर पे क्यों नहीं कर रहे? मैं ये कुछ समस्याएं प्रॉब्लम कहां है, क्यों ये इवोल्यूशन नहीं हो पा रहा है? हम हर प्रकार के साधना करते हैं। देखिए विपासना, आप में से कोई विपासना वाले हैं? बड़ी ठीक, बहुत सुंदर। ऐसे योग, बहुत सारे योगी आज आज के डेट में योग कर रहे हैं, वेदांत साधना भी कर रहे हैं, ऐसे और भी कई प्रकार के साधना कर रहे हैं, लेकिन हमें क्यों वह तत्व नहीं प्राप्त, कहां फॉल्ट है? एक बार अकबर महाराज, जानते हो ना अकबर महाराज, जन्म हुए तो शायद उनका कुछ प्रॉब्लम था, 12 साल तक शायद उनका माँ का दूध नहीं पी पाए, तो उनको दाई माँ पिलाई, ऐसा मैं उतना कंफर्म हिस्ट्री नहीं कह रहा हूँ, सुना मुझे बोल। तो दोनों उनका जो दाई माँ का बेटा और वो बड़े हुए, तो अपना सारा कुछ धन संपत्ति और कुछ राज्य का कुछ भाग उस